सर हम लोग नोएडा में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी होली में हम लोग बिहार आए हुए थे सर, होली मनाने के लिए पूरी फैमिली का गेट टुगेदर था। 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, फीवर हुआ उनको काफ़ी तेज। हमने कोरोना का दो दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया। RT-PCR के लिए दिया तो वहाँ पे भागलपुर में, सर भागलपुर में थे हम लोग, वहाँ पे एक दिन दो दिन वेट करते करते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर हमने नोएडा के एक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से, उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है। हम लोग भागलपुर गए और सिटी चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इन्फेक्शन आया, 60% लंग्स उनका उसमें इन्फेक्टेड था, डैमेज नहीं था, इन्फेक्टेड था बस। बाकी लंग्स का हर चीज़ परफेक्ट था, सारा चीज़ नाक का गले का सब कुछ नॉर्मल था उसमें, रिपोर्ट में था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ग्लोकल हॉस्पिटल है भागलपुर में, ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे एडमिट कराया हमने ICU में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई, डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर, कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक, इशारे से पानी का ऐसे ऐसे बताते थे लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो, जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर, फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, दूध पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है, डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे दो दो पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होकर ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर, 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड, 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया, एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए, ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे, ग्लोकल 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 हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इस इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी, अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से, मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस पेड़ पर पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस घर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली, मैं बाहर निकल के मैं धाम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसी कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी, जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे, और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं, बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाईपास वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया भागलपुर, मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग अभी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब। ICU में 4 बेड था, मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए।
क्यों खत्म हुए, वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड ब्लड, और मर गए वो अंकल वहीं पे। इतना मेरे हस्बैंड डर गए। शाम होते होते मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से खराब होने लगी, पूरा ये सब ड्राई हो गया, एक लेयर व्हाइट कलर का जम गया उनके ऊपर, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में आया ना, डॉक्टर को कम से कम 5-6 बार मेरी बहन बुलाने गई है, क्योंकि कोई डॉक्टर था ही नहीं। कब हुई आपके हस्बैंड की? परसों। सुनिए मेरी बात, पहले पूरी कहानी मेरी सुनिए। मेरी बहन 5-6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे, रात में भी सोने नहीं दोगे। जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट ऑफ, इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ, और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दरवाजा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई, तब एक डॉक्टर आए वहाँ से, तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था, ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया, मेरे हस्बैंड तुरंत जिंदा हो गए। उसी दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किल्लत का डर बैठ गया सर। बहुत 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर उसी दिन इतना वो डर गए, वो बोले नहीं अब उनको कहीं बाहर लेके चलो। दिल्ली में सर हमने बेड कर लिया, बहुत पता नहीं था दिल्ली में, कहीं भी जगह नहीं था। हम पटना आए, राजेश्वर हॉस्पिटल में सर पटना आए, यहाँ पे इन्होंने कहा ICU में अटेंडेंट नहीं अलाउड है, नहीं जाओगे आप। मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रही कि तो मैं ठीक हो जाऊँगा। इन लोगों ने नहीं अलाउ किया सर। मैंने देखा एम्बुलेंस से हम लोग हाथीपुर से पटना आए थे राजेश्वर, रास्ते में उनको 3 बार पॉटी हुई थी सर, उसी गंदे बेड पे उनको 4-5 घंटे राजेश्वर में सुलाया रहा। मैं 10 बार जाके बोली बाहर से कि सर प्लीज बेड क्लीन कर दीजिए, वो हम लोग देख लेंगे ना। एक डॉक्टर निकले, मैंने बोला वो मेरे हस्बैंड अंदर से ना बोल नहीं पा रहे थे, अंदर से ऐसे ऐसे कर रहे थे, बुला रहे थे सबको। मैंने कहा सर वो बुला रहे हैं किसी को बाहर से, तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िए ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही बौखला रहा है जब से आया है। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई सर। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जब 37 हो गया, तब मेरे साथ मेरी दीदी थी, मेरे जीजाजी थे और मेरे जेठ थे, तब मैंने अपने जीजाजी से बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा, मुझे किसी तरह से अंदर भिजवाइए। तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में। मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है, सारे के अटेंडेंट बैठे हुए थे, तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, सब तो कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग कितना देखें, हम लोग क्या मर जाए खांसते खांसते सबको देख के, बैठिए चुपचाप और देखिए। 15 दिन तक सर एक टेबल पे एक लगातार में बैठी हूँ, आज 1 महीना पे मैंने ब्रश किया है सर, 1 महीने पे ब्रश किया है। मैंने बाबू को बहुत ठीक कर दिया, इतना स्ट्रॉ लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबू को मैंने जूस दाल रोटी सब कुछ पिलाया सर। इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट डे बोला था ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर 3-4 दिन बाद कहता है टचूट क्या कर दिया आपने इनके साथ, ये तो एकदम ठीक हो गए, गजब का फाइट दिया आप दोनों ने मिल के, मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को ख़त्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू, 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का, जो अस्पताल वाले हैं ना वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से, हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा, क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया, मेरे हस्बैंड का पाइपलाइन लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था, सिलेंडर मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर, चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर, मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये मेरे बाबू नाक का क्या करते हैं,
नेबुलाइज किया गया, चार बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। एंट्री सब किया हुआ रहता है, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है, रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते, हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को।